तो हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ सुपर सास के रैंकिंग मैच के एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, जिसमें मैं हमेशा की तरह मचाने वाला हूँ तबाही। तो देखते हैं आज हमें तबाही मचाने के लिए इस गेम से कौन सा रोल मिलने वाला है और आप सभी को कौन सा रोल का गेम प्ले दिखने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ स्वैपर का रोल, क्योंकि एजेंट और डिटेक्टिव मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है स्वैपर और यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुकी है। तो देखते हैं गेम में कौन कौन से खतरनाक खतरनाक रोल आए हैं। ओके, तो यहाँ पर आया हुआ है डिमेंटर, पपीटियर, घाउल और ग्लूटोनी। तो थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा, बाकी मुझे गेम कुछ खास डिफिकल्ट लग नहीं रही। पर यहाँ पर गेम के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बेटर भी है। और देखो यार, अगर बेटर गेम में आए तो तुम लोग जानते हो यार, हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि कहीं बेटर खेल हो तो इम्पोस्टर पकड़ा जाए। फिलहाल यहाँ पर मैं देखता हूँ कि व्हाइट है। ओके, तो यहाँ पर व्हाइट मुझे देख करके भाग जाता है, तो ज्यादातर चांस हो सकते हैं कि व्हाइट यहाँ पर सेफ हो। फिलहाल इम्पोस्टर यहाँ पर कैफेटेरिया का गेट बंद करने के बाद बाकी सारे गेट बंद करता है, और उसके बाद यहाँ पर फाइनली इलेक्ट्रिकल का सबोटाइज दे देता है। और मैं सोचता हूँ भाई कैफे के बाद ज्यादातर इम्पोस्टर देते हैं सीधा इलेक्ट्रिकल का, पर ये पता नहीं क्यों गेट्स बंद करने में बिजी होता है इसका इम्पोस्टर। तो खैर कोई बात नहीं, फिलहाल मैं आ चुका हूँ यहाँ पर सिक्योरिटी पे, मैं सारे बंदों पर यहाँ पर नजर रखता हूँ। ओके, तो यहाँ पर येलो भागता है इलेक्ट्रिकल यानी कि स्टोरेज के साइड से ऊपर के साइड, और ये येलो आ चुका है मेडबे के बाहर। और येलो थोड़ा सा मुझे सस्पिशियस लग रहा है भाई, ये क्या बॉडी भी रिपोर्ट हो गई, गेम में तो बेटर भी है। देखते हैं यहाँ पर ब्राउन फिर क्या बोलता है। अगर मैं विश्वास नहीं है तो मैं और किसी को भी मार सकता हूँ। मैं शेरीफ हूँ, मम्मी का कसम मैं शेरीफ हूँ, मम्मी का कसम मैं शेरीफ हूँ, मम्मी का कसम मैं शेरीफ हूँ, मैं शेरीफ हूँ, मैं मम्मी का कसम खा के बोल सकता हूँ। बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। अभी देखो यार, यहाँ पर ब्राउन ग्रिंच होता है और ब्राउन यहाँ पर बोलता है कि ऑरेंज ने उसके सामने किल करके वेंट भी कर दिया। तो यार ब्राउन तो झूठ बोलेगा नहीं ना, और देखते हैं यहाँ पर गेम में तो कोई दूसरा ग्रिंच भी नहीं है, तो उसका मतलब ऑरेंज यहाँ पर कितना झूठ बोल रहा है भाई। मतलब यार झूठ बोलने की एक हद होती है भाई, इतनी हद पर मत करो, तुम्हारा ही बुरा होगा। फिलहाल देखते हैं यहाँ पर बाकी बंदे क्या बोलते हैं। कोई ग्रिंच है क्या? पहले चुप खेलो कि ऐसा मत खेलो, ठीक है? मम्मी कसम खा रहा है, उसको भी छोड़ दे भाई। ग्रीन भाई के पास आया, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वेंट कर गया थे। तो देखो यार, यहाँ पर ऑरेंज बच्चा होता है और मुझे पता है यार कि छोटे छोटे बच्चे जब आते हैं तो ये कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, ऐसे में हमें उन पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और मैं यहाँ पर यही बोलने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पर काफी बंदे यहाँ पर ऑरेंज पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि ऑरेंज ने यहाँ पर कसम वसम खाने लगता है। पर देखो यहाँ पर बाकी बंदे क्या बोलते हैं और मैं क्या बोलता हूँ। तो अभी उसको छोड़ देते ना, ऑरेंज को कसम वसम खा रहा है। फिलहाल देखो यार, यहाँ पर ब्लू भी बाकी बंदों की तरह बोलने लगता है कि ऑरेंज को अभी जाने देते हैं, पर मैं यहाँ पर ऑरेंज को बिल्कुल जाने देने वाला नहीं हूँ यार, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि ऑरेंज को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा झूठ बोलना बुरी बात है। पर्पल मुझे मार देता, मुझे ऐसा लग रहा है। पर्पल 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 सुकार भाई, और पागल करके पिता छोड़ दे। अबे नोबड़ो, तुम सबको खेलना आता है कि नहीं आता है? क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। और यहाँ पर जो बंदे कह रहे हैं वोट ब्राउन, मुझे सिंपल सी बात बताओ, जब ब्राउन कह रहा है कि वो ग्रिंच है और ऑरेंज ने किल करके वेंट करा है, और ऑरेंज कह रहा है कि उसने किल करा है वो मानता है, तो भाई तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये बेटर किल है? क्या नूपंती कर रहे हो? अभी सब लोग चुपचाप ऑरेंज को वोट करो, क्योंकि जो ब्राउन है वो बोल रहा है कि ऑरेंज ने किल करा है और वेंट करा है। तो चुपचाप अभी सब लोग ऑरेंज को वोट करो और ऑरेंज को निकालो यहाँ से, ठीक है? अरे यार रेड अप्स, आप यूट्यूबर हो ना, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। फिलहाल देखो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा बोल देता हूँ, ताकि क्योंकि इन बंदों को समझना जरूरी था यार कि भाई मैटर कितना सीरियस है, ग्रैंड मास्टर की लॉबी है, बंदे समझते नहीं है यहाँ पर, कुछ भी बोलते हैं माइक पे। फिलहाल देखो यहाँ पर ऑरेंज हमारा सब्सक्राइबर निकलता है, और ऑरेंज मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो भाई गेम में कसम वगैरह मत खाया करो। मुझे पता है तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता सही गलत का डिफरेंस, पर फिर भी यार ये ऐसा नहीं खाना चाहिए। फिलहाल बैक टू गेम, अभी यहाँ पर हम सब डिसाइड करते हैं कि हम सब ऑरेंज को निकालेंगे, क्योंकि मैंने बोला हुआ था, वरना तो ये बंदे सारे स्किप कर देते। फिलहाल यहाँ पर हम सब ऑरेंज को निकाल देते हैं और देखते हैं भाई गेम के एंड में क्या ऑरेंज हमारा इम्पोस्टर था या फिर वो रियल का शरीफ था। गेम के एंड में भाई बने रहना, क्योंकि ये देखना काफी जरूरी है। फिलहाल देखो यहाँ पर मीटिंग में हमारा प्यारा सा जो पर्पल होता है, वो वैसे प्यारा तो नहीं है, पर यहाँ पर पर्पल बताता है कि जो ब्राउन है उसको वोट करो, ठीक है? और पर्पल पता नहीं क्यों ब्राउन जो कि हमारा ग्रिच उसको निकलवाना चाह रहा था, तो मुझे यहाँ पर पर्पल पर काफी डाउट होता है। फिलहाल पर्पल यहाँ पर गेम में बोला है कि वो सीर है, तो पर्पल को चलो बाद में देख लेंगे, क्योंकि मैं स्वैपर हूँ ना। फिलहाल यहाँ पर हम सब ब्राउन के साथ जाने लगते हैं, क्योंकि मैं तो ब्राउन के साथ ही रहने वाला हूँ, क्योंकि सिंपल सी बात है ब्राउन ग्रिंच है, और ग्रिंच के साथ रहूंगा तभी तक तो लास्ट तक सर्वाइव कर पाऊंगा।
और अगर तुम लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें पता होगा यार कि मैं ज्यादातर गेम्स में क्या करता हूँ, मैं एक सेफ बंदा पकड़ता हूँ और तुम लोग भी सेफ बंदा पकड़ो और उसी के साथ रहो, उससे क्या होगा, उसका भी फायदा होगा और तुम्हारा भी फायदा होगा। फिलहाल यहाँ पर इंपोस्टर दे देता है रिएक्टर का सबूत है, तो फिर क्या भाई हम दोनों साथ में यहाँ पर जाने लगते हैं। अभी ये क्या ब्राउन रुक रुक के चल रहा है, ब्राउन देखो रुक रुक के चल रहा है पर फिर भी देखो मैं नॉन स्टॉप चल रहा हूँ, फिर भी ब्राउन मेरे साथ आ रहा है स्पीड पकड़ के, मतलब यार मेरी स्पीड स्लो है, ब्राउन की स्पीड कुछ ज्यादा ही फास्ट है। फिलहाल ये सब बातें छोड़ते हैं, चलते रिएक्टर पे और रिएक्टर ठीक करते हैं। तो यहाँ पे मैं और ब्राउन जाने लगते हैं रिएक्टर ठीक करने के लिए। अभी ये क्या ब्लू यहाँ पर ग्लूटोनी वाला इमोट दिखा रहा था ना, मैं अगर गलत नहीं होता हूँ, रुको रुको रुको, ब्लू का तो गेम बजाना पड़ेगा, ब्लू शायद से ग्लूटोनी और उसने किसी को खाया है। अभी ये क्या दो बंदे मर भी गए, देखो फिर मैं माइक पर क्या बोलता हूँ। अभी एक काम करो सब लोग फटाफट ब्लू को निकालो, ठीक है, सब लोग फटाफट ब्लू को निकालो, ब्लू ग्लूटोनी है, ठीक है, ब्लू को निकालो फटाफट, क्योंकि ब्लू जो है वो रिएक्टर पहली बार ठीक नहीं कर रहा था और दूसरी बार ब्लू के अंदर से जो ग्लूटोनी वाला इमोट है ना वो दिखाया जा रहा था बार बार, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ब्लू ग्लूटोनी है, सभी लोग ब्लू को वोट करो, ब्लू पक्का ग्लूटोनी होगा, ठीक है। फिलहाल देखो यार यहाँ पर ब्राउन हमारा साथ देता है क्योंकि ब्राउन ग्रीन है और ब्राउन को पता होता है यार कि हम सेफ है और हम सही बात बोल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर हम सब डिसाइड करते हैं कि हम सब ब्लू को वोट करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर ब्लू जाने से पहले क्या बोलता है। मैं ग्लूटोनी मैंने खाया उसको, तुम दो ग्रीन और व्हाइट को सिक्योरिटी में। तो देखो यार हमारा इस बार का ग्लूटोनी काफी प्यारा होता है, ब्लू जो ग्लूटोनी होता है वो खुद बोलता है कि वो हमारा ग्लूटोनी है और उसने सिक्योरिटी पे जाकर के भी बंदों को खाया है। फिलहाल यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्लू से साइड हटता हूँ और मैं पर्पल से उसका रोल पूछता हूँ, तो पर्पल बोलता है कि वो सीर है। तो मैं पर्पल से पूछता हूँ भाई तूने किसी को स्कैन करा, तो पर्पल बोलता है कुछ नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है मैं ब्लू से स्वैप कर देता हूँ पर्पल पे, क्योंकि मुझे डाउट होता है कि पर्पल हमारा इंपोस्टर होगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहो, ये भी क्लियर हो जाएगा कि पर्पल हमारा इंपोस्टर था या फिर नहीं, क्योंकि मैंने स्वैप तो कर ही दिया ना। और सिंपल सी बात है इंपोस्टर को निकालना ज्यादा जरूरी, क्योंकि ग्लूटोनी यहाँ पर कोई भी सबोटेज दे नहीं सकता, ठीक है। तो इसी के साथ पर्पल को हम सब मिलकर के यहाँ पर निकाल देते हैं, वैसे हम सब क्या मैं निकाल देता हूँ स्वैप मार के। फिलहाल यहाँ पर पर्पल वॉज एलिमिनेटेड, क्योंकि सिंपल सी बात है एक्सपर्ट मैच है, यहाँ पर अभी पता चलेगा नहीं, वीडियो के एंड तक बने रहो सबको पता चल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर ब्राउन के साथ जाने लगता हूँ और ब्राउन यहाँ पर जाता है मैड बे के अंदर। वैसे तो ब्राउन ग्रीन है, उसे कुछ दिखाने की जरूरत है नहीं, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है, ओके। तो यहाँ पर ब्राउन दिखा देता है अपना मेड बेस स्कैन, मैं बुलाता हूं मीटिंग और अब लगाते हैं ब्लू की वाट। तो देखो मैं यहां पर मीटिंग में क्या बोलता हूं। अभी टाइम बहुत खराब हो गया, मैंने यहाँ पर पर्पल को निकाल दिया, पर्पल शायद से इंपोस्टर था, ठीक है, क्योंकि देखो अभी तक सबूत है जो किसी ने दिया भी नहीं इंपोस्टर ने, इसका मतलब पर्पल शायद से इंपोस्टर था। अभी फटाफट ब्लू को निकालो, ब्लू है तुम्हारा ग्लूटोनी, ठीक है, सब लोग ब्लू को वोट करके निकाल दो, ब्लू ग्लूटोनी है, मैं तुम्हारा स्वैपर हूं, ठीक है, मैं स्वैपर हूं, मैंने पर्पल पे स्वैप करा था और पर्पल शायद से इंपोस्टर था और भाई ये पी हो गया, ठीक है, ब्लू को निकाल दो, अब गेम खत्म। तो इस बार मैंने अपना रोल रिवील कर दिया और देखते हैं यहाँ पर बेचारा ब्लू जाने से पहले क्या बोलता है, क्योंकि अब हम सब ब्लू को ही वोट करने वाले हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है सारे रेड को वोट कर दो, रेड स्वैप करके मेरे पे डालेगा, रेड को निकाल दो सारे। तो देखो यार यहाँ पर ब्लू ने ट्रिक काफी अच्छी खेली थी, उसे लगा था मैं स्वैपर हूँ, मैं स्वैप मार दूंगा और सारे वोट मेरे पे स्वैप आएंगे, पर क्या है ना ब्लू, मैं हूँ गेमिंग विद फन, ऐसा छोटे मोटे ट्रिक से कुछ नहीं होने वाला, कुछ करना है तो बड़ा करो। तो फिलहाल हम सब डिसाइड करके यहाँ पर ब्लू को मीटिंग से निकाल देते हैं, लिखा हुआ तो आएगा नहीं, सिर्फ आएगा ब्लू वॉज एलिमिनेटेड। वैसे तो 90% चांसेस है कि ब्लू ग्लूटोनी, क्योंकि उसके अंदर से ग्लूटोनी वाले इमोट्स बंदे दिखा रहे थे यार। अभी ये गेम खत्म नहीं हुई क्या, अभी मुझे लगा था खत्म, ओके तो यहाँ पर गेम खत्म हो चुकी है, मतलब यार मेरे को एक बार के लिए डाउट होगा कि गेम खत्म नहीं हुई क्या। फिलहाल रुको रुको रुको, कहीं जाना मत, गेम तो खत्म हो गई है, पर यहाँ पर हमें अभी रोल तो कंफर्म करने पड़ेंगे ना कि कौन से बंदे के क्या रोल थे और हमने सही बंदे पे स्वैप मारा या फिर नहीं मारा, और स्टार्टिंग में जो हमने ऑरेंज को निकाला था उसका रोल क्या था। तो यहां से मैं देख लेता हूं कि हमारा जो प्यारा सा ब्राउन है वो है प्यारा सा ग्रिंच, मतलब वो तो सच बोल ही रहा होगा ना, ओके। तो यहां पर हमारा ब्लू सच का ग्लूटोनी रहता है और ये जो ऑरेंज है जो बच्चा है भाई, इसने मीटिंग में इतना कुछ बोला था कि वो शरीफ है, उसने इतने सारे प्रोमिसेस किए थे पर सारे के सारे झूठे थे, और मुझे लग ही रहा था यार कि बच्चा झूठ बोल रहा है, सच में डिमेंटर था। और जो हमारे पर्पल भाई साहब है जिन पर मैंने स्वैप करा था, वो भी थे हमारे प्यारे से पपीटियर, वैसे तो प्यारे से नहीं काफी खतरनाक से, पर ये इतना नूब था ना कि इसको प्यारे ही बोला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका रहेगा कि अगर गेम में छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे पर बिल्कुल भी भरोसा करने का नहीं। तो इसी के साथ गेम हो चुकी है खत्म, हमें मिल चुकी है जीत। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक, हम आपसे मिलेंगे सुपर सस के एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त। और देखो यार जाने से पहले मैं आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स जो बोल रहे उन्हें इंप्रेस की गेम प्ले चाहिए, ठीक है, तो सिंपल सी बात है इंप्रेस की गेम प्ले तो मेरे चैनल पर देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि यार इंप्रेस के लिए चाहिए रियल मनी। अगर कभी इंप्रेस फ्यूचर में फ्री हुआ तो पक्का भाई इंप्रेस की गेम प्ले जरूर लाएंगे, पर अभी के लिए बिल्कुल नहीं। और मैं तुम लोग से भी यही कहूंगा कि गेम में रियल मनी लगाने का भी मतलब है नहीं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो यहां तक देखी तो मैं जाने से पहले आप सभी को कहना चाहूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग।